सगला वैनल आवराम हूँ थारो देसी पत्रकार रवि जलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो एक साउंड थे सुन रहा होगा कि वो क्या चाल रहे है दिखाना चाहूँगा, थ्रेसरिंग चाल रही है। थ्रेसरिंग जो अभी मैं दिखाना चाहूँगी ठे थ्रेसरिंग कर रहे हैं जो निकल जा रहे हैं खेत में। आप आड़े पूछा हाँ देख सा बातचीत कर सा हूँ पूछा कि कौन सी समस्या है भगवान सामना करना पड़ा है, किस समस्या आ रही है, अभी किस सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो थ्रेसर वाला भाई साहब ट्रैक्टर रखे हैं बाकी कौन सी समस्या आ रही है। दूसरी बात किसान है जो आपने के सावधानी बरत रहे हैं खेत का मान, और ये असुविधा अगर बन हो रही है कि कुछ लॉकडाउन चल रहे देश का मान, प्रदेश भर में की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें तो बैठे भी लॉकडाउन है, और ये टाइम जो चल रहे है यो चल रहे हैं लावणी को, किसान है खेत में लावणी कर रहे हैं, दूसरों थ्रेसरिंग कर रहे तो मार्केट बंद है, बाजार बंद है, किसान की समस्या आई कि बन जो थोड़ी सी अपना कर भी रिक्वेस्ट आवे है जो अपना जितना भी दर्शक हैं रिक्वेस्ट आऊँगा कि भाई समस्या आ रही है किसान का या कि बन उचित जो है बोरी बारी कौन मिल रही है, कट्टा है बोरी है कि जो अनाज है बिन के कमान डाल के आपके घर आ रखें या फिर जो दुकान वगैरह में कटे क्या में डाल के पहुँचाया जा, तिरपाल वगैरह की है कि बारिश को भी मौसम है कि बारिश भी आवा है कई बार और भी कमान तिरपाल भी बन कौन मिल रही हो, तो अब एक समस्या आवा है और जो बोरी इकट्ठा है सीमण विमण के लिए या फिर बाजार अभी खुल रहा है कौन, तो यह समस्या आ रही है। जो और जो किराना की दुकान ही या फिर मेडिकल स्टोर है वहाँ के साथ में एक आधी जो अपने हार्डवेयर की दुकान है बंद बंद लोगों भी छूट दी जाए और छूट दे के जो वहाँ के लिए भी जो किसान के लिए जो उचित सामग्री है वह बंद मिले। एक और समस्या आई कि किसानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया कि किसान है कम 1 मीटर की दूरी रखो ठीक है, जो आपका उपकरण ही सा अलग अलग रखो। अब उपकरण की जब बात आई कि दांतली वगैरह है मैन रूप आप देखा तो सिर्फ दांतली यूज़ में ली जाए कि जो दांतली है अब अलग अलग दांतली अगर रखें किसान का जो आपके खेत में अलग अलग दांतली रखेंगे तो ये टाइम जो हार्डवेयर की दुकान ही पर खुली को नहीं दांतली बन मिल रही को नहीं, तो यह समस्या एक निकल के आई कि भाई दांतली कठाऊँ लेके आऊँ दुकान है वह खुली को नहीं, तो सरकार है प्रशासन है भी यही निवेदन करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हार्डवेयर की दुकान ही बन भी थोड़ी सी छूट दी जाए और बंक ले भी उचित या फिर जो किसान ही बन जो उपकरण ही वह बन पहुँचाया जाए। अभी हम आप बातचीत करने की कोशिश कराँगा क्योंकि जो है थ्रेसरिंग जो लाटो निकल गो है अब देखा कि के कौन सी की समस्या ये अपन बताओ है पूछने की कोशिश कराँगा कि भाई की समस्या आ रही है। बिल्कुल चाय पी जा रही है अभी देखो बैठ के थ्रेसर अभी रुक गो है और चाय पी रहे हैं तो बातचीत कर सा अभी के निकल है जो निकल है तो जो निकल मतलब और के अभी के समस्या आ रही है मतलब जो लावणी हो रही है अभी कमान कोई समस्या आ रही है जो भाई साहब बता रहे हैं कि बरसात हो बड़ी है ये वजह जल्दी करी जा रही है, तो जितना भी किसान ही से जल्दी करें कि भाई जब बरसात आओगी भी पहली अगर हो सके तो आपा जो आपका अनाज है जो घर डाल लिया जाए। दूसरी एक जो समस्या निकल के आ रही है आप बात करें मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों ने कि यह समस्या आ रही है कि अभी जो अनाज निकल रहे हैं मंडी चालू को नहीं मंडी में अनाज बिक रहे को नहीं, तो लोगों की यह समस्या आ रही है कि अनाज में रखें कठे प्रशासन को रिक्वेस्ट करी जाएगी कि एक लिए जो व्यवस्था है पूरा तरीका करी जाए कि अगर जठ्याओं भी है कि किसान को जो अनाज है या तो व्यवस्था करी जाएगी घरों आके जो मंडी में जो भी खरीदार हैं घरों खरीदें या फिर बिकले कोई जगह या फिर निश्चित करी जाए या फिर टाइम फिक्स करके या व्यवस्था करी जाए, क्योंकि एक तो रखने के लिए जगह कम है, दूसरी अगर बात करें तो अपना यह भी समस्या आ रही है कि किसान है पूरे 6 महीनों या बाट देखे कि भाई लास्ट में जाके जब फसल काटांगा तो अपना पिसाऊंगा फसल ना बेच के जो पिसाऊंगा तो जब वह कोई काम करेंगे, तो अब यह समस्या निकल के आ रही है कि प्रॉपर तरीका हूँ कि मंडी में है जो अनाज है अभी बिक्रियों को नहीं, तो इकले प्रशासन को रिक्वेस्ट करी जाएगी कि अनाज ने खरीद की प्रॉपर तरीका व्यवस्था करी जाए, और भी अगर जो किसानों के लिए जो ही कोई जो समस्या आ रही है वहाँ को भी समाधान करने की कोशिश करी। ये देखो कुछ ऊपर चेंज कर रहे हैं आपका जो परसा वगैरह हुए हैं बन जो चेंज करा जा रहे हैं गंडा सा जो भी काटवा के लिए जो कुछ हुआ है बन चेंज कर रहे हैं ये।